हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल गुड़िया कॉर्नर। कैसे आप सब? सो टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट निविया क्रीम। तो कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जिसने इस क्रीम को लाइफ में एक बार परचेज नहीं किया होगा। तो आज इसका रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो इफ यू गाइस इंटरेस्टेड देन कीप ऑन वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करें इसकी प्राइस की, तो इसकी प्राइस बढ़ते बढ़ते अब काफ़ी बढ़ गई है। सो दिस इज़ 150 ml और इसे मैंने परचेज़ किया था 500 rupees में। तो ये आपको लोकल मार्केट्स में तो बहुत ही आराम से मिल जाती है, हर जनरल स्टोर पे ये मिलती ही मिलती है। तब भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी जहाँ से जाके आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। बात करें इसकी पैकेजिंग की, सो दिस कम्स इन अ डार्क ब्लू कंटेनर जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये 60 ml, 150 ml और 250 ml में भी आती है। तो उसके हिसाब से इसकी प्राइस जो है वेरी करती है। और बैक साइड पे मेंशन है इसके सारे इंग्रेडिएंट्स, और इसे आफ्टर ओपनिंग आप 12 मंथ्स तक यूज़ कर सकते हैं, और ये प्रोडक्ट मेड इन जर्मनी का है। तो अब इसे ओपन कर लेते हैं। तो इस क्रीम का जो हाल है वो थोड़ा सा बेहाल है क्योंकि मैं इसे यूज़ कर रही हूँ अभी। और बात करें इसके टेक्सचर की, तो वो काफ़ी थिक है, इसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत ही ज़्यादा थिक है। और उसके अलावा जब आप इसे अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने कोई हैवी मॉइस्चराइज़र आप अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी की वजह से ये ब्लेंड भी थोड़े टाइम बाद होती है। और उसके अलावा इसकी जो स्मेल है वो जस्ट लाइक तिब्बत की तरह है, जो तिब्बत क्रीम अगर आपने कभी यूज़ की हो तो सेम उसके जैसी ही इसकी स्मेल है। तो ये जो क्रीम है वो ऑयली भी है और ग्रीसी भी है। सो दिस इज़ जस्ट फॉर ड्राई स्किन ब्यूटीज़, जिनकी एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है उनके लिए ये तो मॉइस्चराइज़र बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। लेकिन जिनकी ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन नॉर्मल स्किन है, प्लीज़ इस क्रीम से दूर रहना, क्योंकि अगर आपको कभी भी लाइफ में एक्नी नहीं निकले हैं तो तैयारी कर लेना सहेलियों, आपको एक्नी प्रॉब्लम ज़रूरी होगा अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो। बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा आपके पोर्स को ऑयल मिल जाएगा, आपके पोर्स क्लॉग हो जाएंगे और आपको एक्ने प्रॉब्लम हो जाएगा। सो प्लीज़ इस क्रीम से दूर ही रहना। फेस के लिए तो इसे यूज़ करती ही हैं, लेकिन आप इसे एज अ बॉडी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज जो बॉडी लोशंस होते हैं उनका मॉइस्चर जो है 1 से 2 घंटे में ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये क्रीम जो है बहुत ज़्यादा ऑयली, बहुत ज़्यादा ग्रीसी है। सो दैट्स वाई ये आपकी बॉडी को लॉन्ग टाइम तक मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करती है। तो अगर आप इसे अपने हैंड्स और फीट पर लगाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम तक हाइड्रेटेड रहेंगे। और जहाँ तक रही थंबनेल की बात के वाकई में ये कोई स्किन वाइटनिंग क्रीम है या नहीं, सो येस इट्स डेफिनेटली अ स्किन वाइटनिंग क्रीम। तो अगर आपके हैंड्स के नकल्स, आपके एल्बोज़, या फिर अगर आपको नीज़ बहुत ज़्यादा डार्क हैं, और उसके अलावा आपके पैरों के जो नकल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा डार्क हैं, सो डेफिनेटली ये उन्हें लाइटन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। आप डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देखेंगे अगर आप इसे कंटिन्यूसली यूज़ करेंगे तो। तो अब हो गया सारा प्रोडक्ट का ओवरव्यू, तो अब चलते हैं और बात करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की। बात करें इसके प्रोज़ की, तो ये ट्रैवल फ्रेंडली है, बजट फ्रेंडली है, गुड फॉर ड्राई स्किन पीपल, लेकिन जस्ट विंटर के मौसम में, समर्स के मौसम में इस क्रीम को बिल्कुल ही हाथ मत लगाना, ना ही इसे खरीद कर घर में लाना। अगर लाना भी चाहते हो तो जस्ट एज अ बॉडी लोशन, सिर्फ इसे अपनी बॉडी पे अप्लाई करना, अदरवाइज़ अपने फेस पर तो बिल्कुल ही मत अप्लाई करना, क्योंकि पाकिस्तान की गर्मी तो आप सभी को पता है कितनी ज़्यादा होती है। और दूसरा, ये पैराबेन फ्री है और ये प्रोडक्ट जो है बहुत ज़्यादा टाइम तक चल जाता है। बात करें इसके कॉन्स की, तो ये बहुत ही ज़्यादा ऑयली है, बहुत ज़्यादा ग्रीसी है, और ऑयली स्किन टाइप वालों के लिए या कॉम्बिनेशन या नॉर्मल के लिए ये एक बिग नो नो प्रोडक्ट है। सो व्यूअर्स, इट आज का रिव्यू ऑन निविया क्रीम। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, देन गिव इट अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को यार, प्लीज़ कर दो, क्योंकि कोई पैसे नहीं लगते, बिल्कुल ही मुफ्त है ये सब्सक्राइब बटन, जस्ट आपको उस पर क्लिक करना है, तो प्लीज़ जल्दी से क्लिक कर दो। मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।